यार वीकेंड देखो मोटा मोटा इसलिए, अगर कंपनी में वीकेंड की होल्डिंग ज्यादा है ना, फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या, ये जो वीकेंड्स है अगर इसकी होल्डिंग 30% से ज्यादा है, तो मैं ऐसा नहीं है कि कंपनी को एकदम ही कटा देता हूँ कि इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आई लुक फॉर रीजन कि अगर करना है तो मेरे को कोई बहुत स्ट्रांग रीजन मिलेंगे तो ही करूंगा, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि लेस देन 1% की होल्डिंग रखते हुए भी पावरफुल प्लेयर्स अपनी होल्डिंग बना लेते हैं। पब्लिक को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो हमेशा पब्लिक पब्लिक नहीं होती है, कई सारे अदर ट्रस्ट फंड एंड ऑल काफी चीजें भी होती है, तो उन चीजों को भी देखना चाहिए। तो अतुल ऑटो में मे भी बाकी बाकी अलग तरीके से होल्डिंग होगी पावरफुल प्लेयर्स की, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ठीक है, अतुल ऑटो में मैंने सही इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल तो इसके काफी खराब है। अच्छा हाँ, इसके फिक्स इनकम में काफी अच्छी ग्रोथ थी इसलिए किया था, और तो मैं काफी पहले एग्जिट भी कर चुका हूँ, तो अब मेरी रिकॉर्डिंग कोई बाय सिग्नल नहीं है। या अतुल ऑटो में किया हुआ था, एंड हाँ पब्लिक की होल्डिंग है ज्यादा, लेकिन पब्लिक में कीड़िया सिक्योरिटीज है, एंड ऐसे ही कई सारे और पावरफुल प्लेयर्स है जिनकी होल्डिंग लेस देन 1% होती है, लेकिन वो यहाँ पे कई बार शो नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो ये समय कई बार एक्सेप्शन में क्रिएट करते रहता हूँ, लेकिन ये अब प्रॉफिटेबल कंपनी एट द मोमेंट नहीं है, तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है,